जरा सोचिए, वहां बॉर्डर पार से चंद आतंकी हमारी धरती पर आते हैं, अपने आका के एक इशारे से यहां सैकड़ों जानों को राख बना देते हैं, वहां पाकिस्तान में जश्न मनता है। ऐसा ही कुछ हुआ आत्मघाती आतंकवादी इसरत के नाम पे, जो अपने मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही मारी तो गई, पर एक पूरी सूडो सेक्युलर जमात उठ खड़ी हुई उसका व्यक्तिगत फायदा उठाने। जरा सोचिए, बिंद्रा कराट को तो असली शहीद इशरत जहान लगती है, नीतीश कुमार की जेडीयू को तो इशरत बेटी जैसी लगती है। आज के लोगों की हमदर्दी है, हमारी हमदर्दी विशेष रूप से अब इसलिए भी ये फर्ज हमारा बनता है कि हम बिहार की वो बेटी 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 है। शरद पवार जी को वो मासूम बच्ची लगती है, ओवैसी साहब तो खुद को इशरत का बड़ा भाई कहते हैं, और मनीष तिवारी जी तो कहते हैं क्या हो गया अगर इशरत लश्करे तोयबा की आतंकवादी थी। जरा सोचिए, छोटी छोटी बातों पर धरने पर बैठने वाले केजरीवाल दादरी मामले में तो जम कर बरसे थे, पर आतंकी इशरत उन्हें बेगुनाह लगती है। पीएम के खिलाफ तो खूब नारेबाजी करते हैं, पर जब उनकी अपनी दिल्ली में अफजल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब क्यों बोलती बंद हो जाती है। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जरा सोचिए, धर्म के नाम पर, मानव अधिकार के नाम पर, राजनीति के नाम पर, टीआरपी के नाम पर या पब्लिसिटी के नाम पर क्या किसी आतंकवादी का समर्थन होना चाहिए? और जो इनका समर्थन करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? अब सोचिए जरा।